हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और हर वीक की तरह इस वीक भी हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स या कौन से सेटअप्स आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। चैनल पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियो देखते रहे। और अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप कमेंट करके जाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले इंडेसिस अगर देखें तो एमएनसी, एक चीज नोटिस करना है। मैं देखिए, पहले एमएनसी काफी भाग चुका है। ऑटो अगेन एक ये फ्लैगिश पैटर्न हमने बोला था उससे ऊपर चला गया। कंजप्शन फ्लैक्स ब्रेकआउट हो चुका। एफएमसीजी ऊपर है। अगर आप नोटिस करें तो सारे जो सेक्टर्स है, इंडेसिस है, वो 10 एंड 20 से काफी दूर हो चुके हैं। और इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड मूव। ये एक एक्सटेंडेड मूव हो चुका है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉल आना चाहिए, लेकिन एक साइडवेज अगर जाता है मार्केट तो क्या होगा कि ये ईएमएस इसको कैच कर लेंगे और फिर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन दे के मार्केट अपना मूव कंटिन्यू कर सकता है। तो ये फोकस करने वाली बात है कि यहाँ पे आपको अपनी जो रिस्क साइज है, अपनी जो पोजिशन साइज है, वो बहुत बड़ी नहीं ट्रेड करनी, बड़े रिस्क नहीं लेना इस लेवल पे जहाँ पे मैक्सिमम इंडेसिस अगर आप देखें, रियलिटी एक साइडवेज हो रहा है। अच्छा, अगेन एक फ्लैग यहाँ पे बनेगा अगर ये 2-3 दिन और साइडवेज रहता है, जो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। एक सेक्टर जो मुझे अच्छा लगा है अभी के लिए वो है फार्मा। फार्मा में अब देखिए, ये पूरे रन में जहाँ पे पीएसयूज भाग रहे थे, जहाँ पे फार्मा थोड़ा साइडवेज रहा। और होता है जब एक सेक्टर पे पैसे मूव हो रहे तो एक सेक्टर साइडवेज चला जाता है, स्टेप बैक कर लेता है। तो फार्मा और एनर्जी अगर आप देखेंगे तो जो हम ट्रेड करते हैं, जो सेटअप मैं हमेशा बात करता हूँ, वो यहाँ पे रेडी हुआ। फार्मा और एनर्जी यहाँ पे फोकस करिए। रियलिटी एक नंबर 3 पे मैं रखूंगा, लेकिन बाकी जो सारे सेटअप्स है, जो सेक्टर्स से, है, वहां पे मैं ये मानूंगा कि ये ईएमए से काफी दूर है, इनको थोड़ा कैच करने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए या साइडवेज होने दीजिए जहाँ पे 10 एंड 20 पे कैच करेगा। और फिर हो सकता है कि हम एक अच्छा मूव कंटिन्यू देखें तो वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैंने एक ट्वीट किया था कि भाई यहाँ से अपने स्टॉप लॉसिस है वो थोड़े टाइट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाने वाला। मैं अभी भी बुलिश ही हूँ, लेकिन बुलिश होना और बड़ा रिस्क लेना दोनों अलग चीजें थे। इस लेवल पे मैं बड़ा रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। मेटल एक और, तो अगर चार सेक्टर की बात करें तो फार्मा, एनर्जी, रियल्टी और मेटल। अगर आप देखेंगे तो मेटल भी इस यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। एक बहुत ही अच्छा बेस प्रिपेयर हुआ है यहाँ से, तो मेटल भी आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। बाकी मीडिया, सर्विस सेक्टर सब अवॉइड करिए। हमने लास्ट वीक जो बात की थी शिपिंग और शुगर, शुगर में एक मूव आया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। और इसलिए सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि रैली के काफी लेट आया था शुगर का सेक्टर। अगर मूव देखे तो रैली जब हम देखे 16,800 से 17,18,200 तक पहुंच गए, तब जाके शुगर में एक मूव आया, इसलिए वो मूव सस्टेन नहीं हो पाया। अभी भी सेटअप्स है शुगर में, अभी भी ऐसा नहीं है कि सेटअप्स खराब हो चुके, लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल हमें मिली और मार्केट भी अभी एक्सटेंडेड लग रहा है। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, रिस्क थोड़ा कम रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जो आपने गेन किया, अब यहाँ से आपका फोकस ये होना चाहिए कि इस रैली में जो आपने कमाया है उसका ज्यादा पैसा वापिस ना करें मार्केट को। एक एक बुल रन में सब लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपने 15-20% अपने पोर्टफोलियो का गेन कर लिया और बाद में आप अपने स्टॉप लॉसिस बड़े रख के या अपनी साइजेस बड़ी रख के आप वो पैसे उसमें से काफी सारा पैसा वापिस कर देंगे। वो नहीं करना, वो गलती नहीं करना। तो ये काफी शॉर्ट एंड सिंपल इंडेसिस का अपडेट था। अगर एफएनओ स्टॉक की बात करें तो एफएनओ स्टॉक में सबसे पहला मेरी वॉटलिस्ट में है अदानी। और अगर अदानी में आप देखें तो ये एक काफी बड़ा बेस, एक साइडवेज एक्टिविटी अगर वीकली पे भी देखेंगे तो काफी वीक से साइडवेज है। और अगर आप देखें तो ये एक बेसिंग सा फॉर्म हो चुका है अभी यहाँ से। तो आई गेस के अदानी एंटरप्राइज में एक मूव बनना चाहिए। विल सी कि इसके ऊपर 1966 से ऊपर एक अच्छा मूव आ सकता है अदानी एंटरप्राइज के अंदर। तो ये आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, एक सीमेंट के स्टॉक्स अच्छा मुझे करते दिखे तो अंबुजा सीमेंट। अगर अदानी, अंबुजा, इसी से आप देखे एक ही ग्रुप, तो यहाँ पे भी आप एक ये बेसिंग पैटर्न देख रहे हैं। तो जो नहीं मूव की है वो उसके ऊपर फोकस करना है, जो ईएमए से काफी दूर है 10 एंड 20। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये फोकस करना होगा। क्योंकि मैं हर एक वीक ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं बड़े पोजिशनल टारगेट के वीडियो नहीं बना सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं वीकली सेटअप्स के ऊपर, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक हफ्ते एक वीडियो वीकली सेटअप का भी शेयर करूँ। तो अंबुजा सीमेंट एफएनओ से आपकी वॉटलिस्ट में होना चाहिए।
नेक्स्ट जो मुझे काफी अच्छा लगा वो है नौकरी इन्फो एज। अगर इन्फो एज में देखे अगेन एक बेसिक सा पैटर्न, इसके ऊपर अगर आप देखे तो एक बेस के बाद ये 4 या 5 दिन से साइडवेज हो चुका है, और यहाँ पे इसके ऊपर आप अगर आप देखेंगे 3840 और 50 के ऊपर एक अच्छा मूव दे सकता है इन्फो एज, तो ये भी आपकी वर्डलिस्ट में होना चाहिए। और एक स्टॉक मेटल से है वो है JSW स्टील, ये भी आप देखेंगे तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। अगेन एक ब्रेकआउट के बाद, एक मूव के बाद ये साइडवेज हो चुका है काफी दिन, ईएमए को सस्टेन कर रहा है। अगर 2-3 दिन बाद यहाँ पे कोई साइडवेज एक्टिविटी बनती है तो आप JSW स्टील में ट्रेड कर सकेंगे। याद रहे मैं कोई बाय या सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपको अपनी स्टडी खुद से करनी होगी, और ये सेटअप ऐसा नहीं होगा कि आप मंडे को सीधा बाय कर ले। सेटअप्स को मैच्योर होने दे, थोड़ी स्टडी करे, थोड़ी ब्रेकआउट स्टडी करे, और फिर जब आपको लगे कि हाँ अब ये सेटअप रेडी है तब जाके इसको बाय करें। ऐसे जस्ट नाम शेयर किया तो उसको बाय मत कर लिया कीजिए, अपनी स्टडी खुद से किया कीजिए। तो ये थे एफएनओ के स्टॉक्स जो आपकी वॉचलिस्ट में होने चाहिए। अगर कैश स्टॉक्स की बात करें तो कैश स्टॉक्स में सबसे पहला जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ऑटो एक्सेल्स। एक बहुत ही बढ़िया बेस बनाया ऑटो एक्सेल ने, शायद लिक्विडिटी इश्यू होगा इसमें, यस 4-5 करोड़ के नीचे है, तो ये थोड़ा ध्यान रहे कि थोड़ा इनलिक्विड है। लेकिन ये आप अगर लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे सेटअप मार्केट में बहुत चल रहे हैं अभी, तो ये एक अच्छा सेटअप है ऑटो एक्सेल जो नेक्स्ट वीक के लिए आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। जो नेक्स्ट सेटअप है वो है मनाली पेट्रो, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये सारे सेटअप भी अच्छे हैं, जाके ये भी पूरा स्पेस देखना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बेस के ब्रेकआउट के बाद ये मिनी बेस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एक 4 दिन 5 दिन सा साइडवेज एक्टिविटी हुई है, वॉल्यूम भी थोड़े नीचे गए कंपेयर टू ब्रेकआउट है, तो मनाली पेट्रो भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक। एक और स्टॉक जो है VRL लॉजिस्टिक्स, और अगर आप VRL लॉजिस्टिक देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही, एक बहुत ही बड़ा बेस, बेसिंग के ऊपर ये ऊपर एक हायर लोज लगा रहा है यहाँ पे, और अगर इसके ऊपर 642 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। एक काफी बड़ा बेस है इसका भी, तो VRL लॉजिस्टिक भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। एक और जो स्टॉक है वो है गुजरात पीपावाव, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओके सा सेटअप है, इतना कुछ मैच्योर अभी नहीं, मुझे नहीं लग रहा, अगर ये 2 दिन और रुक जाए साइडवेज एक्टिविटी देता है तो एक और अच्छा सेटअप हो जाएगा, तो GPPL भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। लेकिन याद रहे इसको मैच्योर होने की वेट करनी है। और जो लास्ट सेटअप है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल, और बोरोसिल रिन्यूएबल अगर आप देखें तो एक मूव आया यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद अराउंड 18%, एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइडवेज जाएगा, तो लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन से स्टॉक साइडवेज है और कंप्लीटली ड्राई वॉल्यूम हो चुका है, तो बोरोसिल रिन्यूएबल भी आपके वॉचलिस्ट में होना चाहिए। इसकी लिक्विडिटी अगर देख ले तो लिक्विडिटी फाइन है, सो बोरोसिल रिन्यूएबल भी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। टोटल मैंने आपके साथ 5 कैश के और 4 FNO के स्टॉक शेयर किए। ये है नेक्स्ट वीक के लिए कुछ अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ वीडियो की लिंक शेयर करिए, और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।